नमस्कार। आज के दिवा कार्यक्रम में एक अनोखी व्यक्ति आई है और दीदी का नाम है श्रीमती प्रिया सेठी, जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुकी है जम्मू कश्मीर की। उनके कुल मिला के कुछ 7 और 8 पोर्टफोलियोज है, तो उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे विशेषता ये है, द स्पेसिफिकेशन इज शी इज द फर्स्ट एवर वुमेन बीजेपी मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। सो हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर फॉर दैट अचीवमेंट। शी इज ऑल्सो स्पोक्स पर्सन फॉर बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर एंड शी इज ऑल्सो रिमेन्ड एज अ प्रेसिडेंट फॉर महिला मोर्चा बीजेपी बिफोर बिकमिंग द मिनिस्टर इन जे एंड के। काम के साथ साथ उनका काफी तरह का दायित्व भी रह चुका है, विशेष करके जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए और क्षेत्र के लिए। तो उसके बारे में और अभी उनका प्रवास कैसा है और आगे जाके उनकी क्या योजना है, विशेष करके टूरिज्म के क्षेत्र में, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज नोन फॉर टूरिज्म। सो हाउ इज शी प्लानिंग टू ग्रो एज वेल एज गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू वीमेन इन दिस सेक्टर। ऑल दैट विल टॉक टू हर। तो लेट अस फॉर्मली वेलकम श्रीमती प्रिया सेठी जी। मोस्ट वेलकम टू दिवा प्रोग्राम प्रिया जी। थैंक यू सो मच केतकी जी. इट वॉज इट्स एन ऑनर टू बी हियर विथ यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म स्पेशली एंड टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, टू शेयर माई यू नो वट हेवर आई हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी समवेयर और द अदर. थैंक यू सो मच. शुक्रिया बहुत बहुत. जी, प्लेजर इज ऑल माइन। सो पहले तो ये बताइए कि पॉलिटिक्स की शुरुआत कब हुई आपके जीवन में? पॉलिटिक्स की शुरुआत ईमानदारी से कहूंगी और पक्ष भी रखूंगी कि वो मेरा जो पॉलिटिक्स में आने का रहा वो दिस वाज ड्यू टू दी थ्री टायर गवर्नमेंट जो यहाँ पे रही, और उसके अंदर जो कॉर्पोरेशंस के अंदर विमेन के लिए वार्ड रिजर्व हुए जी उससे ही शुरुआत हुई. फैमिली के अंदर तो पॉलिटिक्स थी, जी लेकिन मैं एकदम से नहीं जुड़ी हुई थी पॉलिटिक्स के साथ, या सोशल वर्क करती थी लेकिन इस तरह नहीं था. कभी मंशा नहीं थी कि मैं कहीं ना कहीं इलेक्शंस में आऊं या फिर इस तरह का काम करूं. तो ये देन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के सुचने से जो थ्री टायर गवर्नमेंट की रही, जो कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के अंदर वुमेन को 33% का आरक्षण मिला, उसकी ही देन है. तो शुरुआत मेरी वहीं से हुई है. अच्छा, सो बैक इन 2014 15 नो, इट वॉज इन 2005, 26 5 ओ ओके 2005 जी। साल के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा था कि 26 ईयर्स के बाद लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए थे, और उसके अंदर फिर आई गॉट अ चांस टू गेट इलेक्टेड इन टू दिस कॉर्पोरेशन. ओके सो प्रिया जी, आप ओरिजिनली यू आर नॉट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, ओरिजिनली आई एम फ्रॉम देहरादून, विच देहरादून। इज या उत्तराखंड, विच इज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, एंड स्टडीड ब्रॉट अप इन ऑल दी स्टेट्स. आई हैव बीन टू मद्रास, टू चेन्नई, आई हैव ब्रॉट अप इन बैंगलोर ऑल्सो समवेयर. आई वॉज माई फादर वॉज इन ONGC, सो ही वॉज ऑलवेज ऑन हिज फील्ड विजिट्स टू डिफरेंट यू नो स्टेट्स, राइट एंड आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिया. सो आई नेवर टेल कि मैं सिर्फ जम्मू को ही बिलोंग करती हूँ, मैं पूरे देश को बिलोंग करती हूँ. आई बिलोंग टू द होल भारत की कंट्री. बेटी है असल जी बिल्कुल. और मुकुटमणि में बैठी हैं, और भारत के मुकुटमणि में बैठी हैं. बिल्कुल। और इसी बात का मुझे पर्सनली, इफ यू आस्क मी, आई एम रियली फैसिनेटेड दैट अ फर्स्ट वुमन मिनिस्टर इन जम्मू कश्मीर फ्रॉम बीजेपी, व्हिच इज रियली क्रेडिटेबल पोर्टफोलियो। तो एक्चुअली कितने पोर्टफोलियोस थे दीदी आपके पास? मेरे पास बिकॉज इट वाज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जी सो क्योंकि हमारी सरकार जो थी वो PDP के साथ थी, और PDP के साथ जो कैबिनेट मंत्री होते थे उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते थे. आई तो सी मेरे जितने भी कैबिनेट मंत्री थे वो सब आपके PDP के मंत्री थे, और मेरे पास कम से कम 8 या 9 पोर्टफोलियोज थे. इलेक्शंस जब हुए उसके बाद मैं एक नॉमिनेटेड MLA हूँ. यहाँ पे असेंबली के अंदर 2 वुमेन नॉमिनेट्स होती हैं, आई सी तो उसका उसके वजह से मुझे नॉमिनेट किया गया और फिर मंत्रालय भी दिए गए. तो मंत्रालयों के अंदर मेरे पास टूरिज्म था,
मेरे पास एजुकेशन थे दोनों, हायर और स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, कल्चर, फिर आपका फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मतलब इस तरह के कम से कम 8 डिपार्टमेंट जो थे वो मेरे पास थे, और जिनके मिनिस्टर्स जो थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे, वो पीडीपी के थे। बट इट अच्छा वाज 3 साल हम लोगों ने इस तरह से इस पोर्टफोलियोज को चलाया कि जम्मू में कुछ ना कुछ कर जाऊं, ये मंशा मेरे अंदर थी। जम्मू कश्मीर का कुछ जो हमारे मोदी जी जो देश के लिए इतना कर रहे हैं, और उनका अंश से हम कुछ सीख सके और कुछ अपना कंट्रीब्यूट सोसाइटी को कर पाए, जी, उतना ही मंशा लेकर हम आए थे। शुरुआत किए थे, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल सो आई ऑल्सो नो दैट यू वेयर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंचार्ज एक्चुअली बेटी पढ़ाओ एंड बेटी बचाओ प्रोग्राम फॉर जम्मू कश्मीर यूटी। तो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? सी। अभी इनिशियली कुछ एक कोई एक डेट एक 6 महीने के पहले, जब हमारा पूरा यहाँ का यूनिट चेंज हुआ, तो उसके बाद मुझे एक दायित्व दिया गया कि आपको एक तो पूरे हेडक्वार्टर्स की इंचार्ज बनाएगा, और साथ में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो 10 डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का 10 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, दिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इसको इंचार्ज बनाया गया, और खासकर हमने अब कोशिश की है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के द्वारा हम अवेयरनेस कर पाए महिलाओं के अंदर, बेटियों के अंदर, और जो अनुपात है जिसके अंदर हमारी कुछ 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 जो हमारे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर हमारी बेटियों का और उसका बेटों में अनुपात में डिफरेंस है, और उसमें बेटियां कम है, उनका कैसे हो, किस तरह से बच्चियों को अपने राइट्स के बारे में पता हो, किस तरह से वो सुकन्या योजना के साथ जुड़ सकें, पेरेंट्स को एनकरेज किया जाए कि आप जुड़ो इसके साथ, किस तरह से हम अभी भी मैंने अभी आने वाले समय के अंदर एक प्रोग्राम करना है जिसके अंदर हमने गवर्नर मिसेस गवर्नर को बुलाना है, और अपनी जितनी यहाँ पर सम्मानित बेटियां हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर अपनी ऊंचाइयों को कहीं ना कहीं छुआ है, वो प्रेरणा बने और बच्चियों के लिए, ताकि यहाँ पर जो है, क्योंकि अब एनर्जी बहुत है, जी आपने देखा है कि हमारी बच्चियों में इतना टैलेंट है, इतनी एनर्जी है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश कभी कभी वो पीछे छूट जाती हैं, पारिवारिक के, कभी फाइनेंशियली, कभी किसी तरह। हम कोशिश करेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों से ही मदद करा के इन बच्चियों को, इनके टैलेंट को उभारा जाए, इनको कहीं ना कहीं लाया जाए, और कहीं ना कहीं जो है बच्चियों को जो है अडॉप्ट भी किया जाए। कई ऐसी भी बच्चियां हैं जो आगे पढ़ना चाहती हैं लेकिन फाइनेंस इतना नहीं होता ओके पेरेंट्स के पास, जी उसमें भी आगे हमें यही विचार रखते हैं कि हम आने वाले समय के अंदर ये एक तरह से हमारी पूरी टीम है बनी हुई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेवल पे बनी हुई है, तो ये उन टीमों के माध्यम से, और महिला मोर्चा को कहीं ना कहीं जो हमारा पेरेंट विंग के साथ काम करती है महिला मोर्चा बीजेपी की, उनके साथ भी मिलकर हम इसको और तीव्रता से जो है निचले लेवल तक लेके जाए। नाइस। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग। जम्मू कश्मीर इज सीनिकली रियली ब्यूटीफुल, मतलब हेवन है हमारा, जैसे आपने कहा कि शेर का सर का ताज है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम बहुत सालों से झेलते आ रहे हैं, द बिगेस्ट कर्स ऑफ द स्टेट, टेररिज्म, दैट हैज नॉट ओनली हैम्पर्ड द ब्यूटी बट ऑल्सो द कॉमन लाइफ, स्पेशली विमेन लाइफ। तो क्या अभी आई नो द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, बिकॉज वेन आई वॉज स्टडिंग माई इंजीनियरिंग आई हैड माई फ्रेंड्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर, एंड ऑफकोर्स द सिचुएशन इज बिन वर्स फॉर लॉन्ग, बट तब मैंने उनसे सुना है। तो क्या अभी सिचुएशन इज चेंजिंग, क्योंकि अभी भी हम सुनते हैं टेररिस्ट अटैक हो रहा है, मिलिट्री जवान लड़ रहे हैं, तो अभी बच्चों के जीवन में बदलाव लाना पॉसिबल है और हो रहा है? बिल्कुल पॉसिबल है। 370 हटना जी 5 अगस्त 2019 में जब ये ऐलान किया गया पार्लियामेंट के अंदर, और ये बिल पास किया गया राज्यसभा के अंदर, और 6 तारीख को फिर 7 को शायद लोकसभा में, तो एक बहुत बड़ी देन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए, माननीय अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए दिया। शायद डेफिनेटली आपको पता होगा जी कि यहाँ की बहनों की स्थिति ऐसी थी कि जो महिला यहाँ से शादी करके बाहर जाती थी उसके प्रॉपर्टी राइट्स को खत्म कर दिया जाता था, उसके अगर उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी कहीं उसको मिलती थी
तो कहीं ना कहीं उसके वो अपने बच्चों को नहीं दे पाती थी, वो स्टेट सब्जेक्ट का लाइक लॉ था, और उसकी लड़ाई भी उसको तब लड़नी पड़ी जब वो कोर्ट में गई, और एक सानी लेडी थी जो कोर्ट में लड़ने के लिए गई, और उनका उन्होंने कहा कि ये स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता था, शादी से पहले एक सब्जेक्ट होता था और शादी के बाद एक और स्टेट सब्जेक्ट बनता था, तो वो इतना ज्यादा कर्ज था यहाँ की बच्चियों के लिए, यहाँ की बेटियों के लिए, यहाँ की माओं के लिए, कि कई बार तो माए ये सोचती थी कि मैंने बेटा और बेटी की शादी जो है जम्मू के रीजन, मतलब उसको बाउंड कर दिया जाता था कि हम जम्मू के अंदर ही करना चाहेंगे, अगर मैंने बेटी की शादी बाहर करी तो इसके बच्चों के राइट से इसको वंचित किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा जो हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया कि 370 का जो कर्ज था वो हमारे सिर से उतार दिया। अब है कि परिस्थितियां जो है अभी अनुकूल बनाने की कोशिश हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जब यूनिट यूटी बना तो स्टेट से यूटी बनना बहुत कम देखा जाता है कि एक स्टेट जो है यूटी बनता है, लेकिन उसके पीछे बहुत कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जो सबसे लार्जेस्ट प्रदेश है और सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, पाकिस्तान हमारा फ्रेंडली नेबर है नहीं, वो हमेशा से आतंकवाद भेजता है, हमेशा से चीजें ऐसे करता है, इन चीजों को कहीं ना कहीं रोकने के लिए यूटी बनना जरूरी था, ताकि डिफेंस फोर्सेस, आपकी होम मिनिस्ट्री के जो है वो सबका सब सेंट्रलाइज हो जाए, वो दिल्ली हो जाए, जहां से होम मिनिस्ट्री से सेंट्रली इसको मॉनिटर किया जाए, हाँ मॉनिटर की वजह से ही इसका यूनियन टेरिटरी बना है। और अब जो है 370 हटने के बाद कम से कम एक मानसिकता डेवलप हुई है कि हमने अपने देश, हम इंटीग्रेट हुए हैं देश के साथ, हमारे वो जो ड्यूअल, आपके जो ड्यूअल फ्लैग्स होते थे वो खत्म हुए हैं, सिंगल फ्लैग लगा है। आपने देखा है कभी यूनिवर्सिटी में जो मतलब आपके जो गान होता है भारत माता का, उसके लिए भी कोई नहीं उठता था वहां पर, तो आज जो है उस यूनिवर्सिटी के अंदर जब ध्वज लहराता है अपना भारत का, तो एक फक्र महसूस होता है। और जिन लोगों ने इन परिस्थितियों के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अब तक जितने लोगों ने इनमें शहादत दी, कहीं ना कहीं उनका चैन से वो रहते होंगे कि भाई इस तरह का है। पिछले दिनों डल लेक के अंदर जो म्युनिसिपल के आपके जो मेयर हैं, उन्होंने पूरा एक राइड लिया जिसके अंदर उन्होंने नेशनल फ्लैग्स लगाए सारे डल लेक के आगे पीछे, तो जो असंभव चीज थी कहीं ना कहीं वो संभव नजर आती है। धीरे धीरे परिस्थितियां, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अभी चेंज हुई है, अभी समय लगेगा, अभी हम एक ट्रांजिशन फेज के अंदर हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे लॉज हैं जो इनैक्ट तो पार्लियामेंट में होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर में वो इनैक्ट नहीं हो पाते थे, नहीं हो आज फुल्ली कोई रोकता नहीं है, कोई रोक नहीं सकता, वो वैसे ही ऑटोमेटिकली ही हमारे प्रदेश के अंदर लगेंगे। तो आने वाले समय के अंदर महिलाओं की स्थिति, बेटियों की स्थिति और बच्चियों की स्थिति जो है आने वाले समय के अंदर खत्म होगी, क्योंकि एक फियर साइको जो क्रिएट किया जाता था आतंकवाद के तरीके से, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लोग खुलकर बाहर आते हैं, बच्चे खुलकर बाहर खेलने आते हैं, प्लेग्राउंड्स में खेलते हैं अपना, आप देखेंगे कि एक भी वारदात स्टोन पेल्टिंग की जो है उसके बाद नहीं हुई है जब से 370 हटा है, जबकि बहुत बड़े बड़े नेता तो बहुत बहुत कुछ कहते थे कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, आज हर आप देखेंगे कि हर यूनिवर्सिटी पे झंडा लटक रहा है और झंडा फहराया जा रहा है, हर आपके जो आपकी स्कूल्स में है, अभी पिछले बार नोटिफिकेशन निकला है कि आपने हर स्कूल के अंदर जो है अपनी बिल्डिंग के ऊपर जो है नेशनल फ्लैग को जो जी है फ्लैग करना है। तो इस तरह के प्रावधान जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर परिस्थितियों को बदलेंगे और एक बहुत एक पॉजिटिव तरीके से एक डेवलपमेंट का अचीवमेंट लेते हुए हम आगे भी बढ़ेंगे। डेफिनेटली, मैंने जो आपने कहा, आई सॉ दैट लेटेस्ट अपडेट की नाउ तिरंगा विल बी होस्टेड ऑन एवरी स्कूल एंड कॉलेज बिल्डिंग। दैट्स यस, दैट्स वेरी प्राउड मोमेंट। वेरी प्राउड। एब्सोल्युटली, और आपने बिल्कुल राइटली कहा, क्योंकि वहां के लोगों ने भी एक उम्मीद छोड़ दी थी कि अभी इसमें कुछ बदलाव आएगा, ऑलमोस्ट गिवन अप कि हमारी जीवन बेहतर हो सकता है, या एजुकेशन पॉसिबिलिटीज जम्मू कश्मीर में रह के हो सकती है, बिकॉज मेनी पीपल यूज टू माइग्रेट आउट ऑफ द स्टेट इफ दे वॉन्ट टू हैव अ सिक्योर्ड लाइफ और एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अभी आई थिंक विद दिस, एज यू सेड, उसका उद्देश्य ये है कि जम्मू कश्मीर को अपना हब दिलाना और वहाँ के लोगों को एक
शांति और नॉर्मल माहौल जो सब स्टेट्स में है वैसा देना। अच्छा डेयर जी, आप मुझे लगता है कि प्रभारी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, और हाँ उधमपुर में ही शायद आप एक को इंचार्ज मेंबरशिप ड्राइव कर रही थी 2019 में, जहाँ पे यही सब महिला मोर्चा के बारे में अवेयरनेस और जागृति का काम चल रहा था। तो कितना आसान है ये काम करना अभी, कि आप आराम से कर सकते हो या आपको बहुत उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है? जब हमारा मेंबरशिप का मुझे को इंचार्ज बनाया गया तो हमारा लेह लद्दाख सब हमारे साथ था, अच्छा और हम उसी मतलब अभी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है हमारे, जी वो जो है सिर्फ जम्मू के हैं, जम्मू और कश्मीर, क्योंकि अब लेह अलग हो गया तो लेह का अलग से वहां पे हुआ। लेकिन मुझे जब काम सौंपा गया तो मुझे शुरुआत कर दी गई कि आपको लेह से ही शुरुआत करनी है, जम्मू से और लेह से। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेंबरशिप ड्राइव जो थी हमने भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ पिछली बार जब 3 साल पहले ड्राइव शुरू हुई थी तो कोई हमने 3 लाख मेंबर्स बनाए थे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि 370 हटने के बाद आपका 2G नेटवर्क खत्म हो, मतलब बिल्कुल खत्म था नेटवर्क, तो आपका रहा ही नहीं था, आपका सच सारा जो है आपका मैनुअल मोड में चल चल रहा था मेंबरशिप। तो उसके बावजूद भी हमने मेंबरशिप को बढ़ा के कम 17 लाख जो है हमने मेंबर्स बनाए भारतीय जनता पार्टी के, और 3 से 4 लाख मेंबर्स तो आपके सिर्फ घाटी में ही बने हैं, जो फॉर्मली मेंबर्स बने थे भारतीय जनता पार्टी के। और इसमें एक ये रहा कि महिलाएं भी उतना ही जागरूकता से, हम उनको कई बार तो हम अगर हम स्टॉल लगाते थे या कैंप्स लगाते थे तो महिलाएं इतनी जागरूक हो जाती थी कि अभी ही हमें फॉर्म निकाल के दे दीजिए, अभी ही हमारा आई कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी का है उसको डाउनलोड करके दे दीजिए। तो इतना ज्यादा उत्साह जो था पार्टी की तरफ था, क्योंकि वो जो एट्रोसिटीज उन्होंने देखी थी 70 साल, जी जो वो एक डिसकंफर्ट का माहौल देखा था, उसको कहीं ना कहीं दर किनारे करते हुए वो हमारी मेन स्ट्रीम पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ जुड़ना चाहती थी, उनके लिए काम करना चाहती थी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, जागरूक महिलाएं हैं, बहुत पढ़ी पढ़ी समाज की पढ़ी लिखी बहनें हैं। जब मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष होती थी तो कोई महिला मोर्चा को ज्वाइन, जब मैं पहुंचती थी उनके पास कि अब ज्वाइन कर लो, तो बहुत खुशी से ज्वाइन नहीं होती थी, कहती कहीं आपने सरकार में कभी नहीं आना, तो मैं उनको हमेशा आशा दिलाती थी कि हमने सरकार जरूर बनानी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार जरूर बनाएगी। लेकिन ये सौभाग्य प्राप्त हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से, जब हमने 2014 के अंदर जो है 25 सीटें जीती, तो जी एक विश्वास पैदा हो गया कि नहीं हम सरकार बनाएंगे भी, और सरकार बनाने के बाद हम यहाँ पर जो देश के हित के चीजें हैं उसमें भी कहीं ना कहीं योगदान दे पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो था मेंबरशिप के द्वारा इसको लिया गया। मुझे खुशी है कि पार्टी ने ऐसे ऐसे दायित्व दिए जिसके अंदर सीखने को भी बहुत मिलता था, जिसमें मास के साथ आपको इंटरेक्ट करने के लिए बहुत मिलता था। तो इस तरह की एक जो है मुझे रहा, मुझे उसका एक्सपीरियंस भी एक अलग ही था मेंबरशिप का, डोडा भी भेजा गया। दीदी, बिकॉज इफ यू कनेक्ट विद मासेस, विद द ग्राउंड लेवल पीपल, यू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, देयर सिचुएशंस, देयर रिक्वायरमेंट्स मोर बेटर वे, एंड देन यू नो हाउ टू हेल्प देम, हाउ टू ब्रिंग देम अप। बिल्कुल, इट्स इट्स क्वाइट ट्रू, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू डोंट रीच टू द मासेस, यू आर नॉट एबल टू यू नो कलेक्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। एंड रीचिंग टूवर्ड्स मासेस वॉज ऑलवेज बीजेपीज इनिशिएटिव, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम अ बीजेपी कार्यकर्ता, एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी वर्किंग विद सच यू नो गुड पीपल हियर। वी आर वी हैव ऑलवेज बीन यू नो इन टू द संघर्ष फैक्टर जो होता है, कि हमने हमेशा से संघर्ष करना सीखा है। हम जब सरकार में भी रहे हैं, व्हेन वी वर इन टू दी गवर्नमेंट ऑल्सो, देन ऑल्सो वी वर यू नो हम अपना अपना संघर्ष जारी रखते थे, क्योंकि हमारा जो पक्ष, जो हमारा जिसको हम जिसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी हमारे से, हमको उसके साथ बैठ के काम करना था। और काम करते हुए कुछ ऐसे डिसीजंस भी कई बार वो ले लेते थे जिसको हमें ऑब्जेक्ट करना पड़ता था, जिसको हमें रिजिस्ट करना पड़ता था। और मुझे लगता है काफी हद तक मैं इस चीज को जो है कहीं ना कहीं न्याय भी दे पाई, और कहीं ना कहीं जो है, और जब सरकार से निकले 3 साल के बाद,
माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने जिस तरह से कहा और हम लोग निकले, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण हमने पूरे देश के लिए दिया कि हम सत्ता के लिए नहीं हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हम अपने देश के लिए हैं और देश के लिए ही काम करना चाहते हैं। जी तो इस तरह से बहुत एक रहा है। श्योर। जम्मू कश्मीर अभी थोड़ा मैं सोशल सर्विस पे आती हूँ आपके, जहाँ पे आप सोशली यू आर ट्राइंग टू एम्पावर वीमेन एंड उनको उस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनली आई फील इफ यू आस्क मी, जम्मू कश्मीर इज नोन फॉर इट्स ब्यूटी एंड हेवनली ब्यूटी बिल्कुल एंड टूरिज्म, दैट इज द वेल्थ ऑफ दैट स्टेट। तो ऐसे उससे जुड़े हुए सारे काम, एनीथिंग इन दैट सेक्टर, उस प्लेटफॉर्म पे लेडीज को, विमेन को और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना, या उनके जो भी हुनर है, जो भी उनकी कला कौशल है, उसके थ्रू उनको उससे जोड़ना, ये भी आपका एक एजेंडा होगा। बिल्कुल, ये था हमारा एजेंडा और ये अभी भी है मेरी। तो क्योंकि मेरे पास टूरिज्म कोई अबाउट 1.5 ईयर रहा, जब मेरा सेकंड बार, जब महबूबा मुफ्ती, जब जो हमारे मुफ्ती साहब हो गए, एक्सपायर हो गए, उसके बाद जब नेक्स्ट गवर्नमेंट बनी, तो सेकंड फेज के अंदर मुझे जो है टूरिज्म मिला और इतना काम था कि जी टूरिज्म में इट वॉज एन एम्पल फील्ड टू डू। इट इज मतलब दिस स्टेट बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर पीपल, बट वन वन पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर हैड यू नो दिस रोप वे, द अदर पार्ट डिड नॉट हैव। तो आई एम सो प्राउड दैट आई हैड बीन ब्लेस्ड टू इनिशिएट दैट प्रोसेस इन जम्मू ऑल्सो। नाउ जम्मू हैज टू रोप वेज, इन जम्मू वी हैव टू रोप वे एंड टू रोप वेज इन कश्मीर ऑल्सो, सो दैट समवेयर और द अदर हैज यू नो I've tried to initiate that process and I'm happy ki that thing had come into during my tenure and I could initiate that process. In the field of tourism, there was so much of work to do. We know Kashmir has a pashmina shawl. We know Kashmir is blessed with everything. It's always the tagline that Kashmir is known for, but Jammu was never known for anything. So I was there. I wanted to initiate this process with the Pashmina, which really we have in the Basoli. Basoli is a small town in Jammu. It's on the bank of near Pathankot and you know near Punjab. It's on a borderline, and you have beautiful women, you know, weaving these Pashmina shawls. I wanted to initiate that process, but somehow the how, because you were asking me about the women empowerment, Yes. that was one area which I really worked hard. I could bring in some investors, put in some designers into it, you know, and initiate that process. But I could only, I wanted to do it in a larger scale, but then this government then went away and, you know, I had to stop that process. But still, I'm happy that some women, you know, have really contributed somewhere or the other to that area. Yes. We were the one, you know, about 30 years back, we had one IIT. And I'm proud that Jammu has one IIT in our tenure, when we came into this tenure. So an IIT has been established here, an IIM has been established here, AIIMS has been established in Jammu. These are so many initiatives which are done during that small period of 3 years. Absolutely. So many connectivity, so many roadways, so many things about tourism. There was so much of, you know, so much of gap between the development process in 70 years between us and Kashmir. It was always done for Kashmir. It was always done for Kashmir. Kashmir is our part. That is an integral part. But Jammu was always, you know, treated as a smaller, younger sister who's used to cry and then used to take fetch, you know, fetch their rights for. But BJP, because maximum won the seats from Jammu region, we made a point that Jammu should be blessed with what they have given to us. And the best blessing which Jammu received after electing about 25 MLAs was that 370 was abolished and it had, you know, it was revoked. That was the main, you know, that was abrogated. So that was the main thing which, you know, BJP has done for this Jammu and Kashmir. And I'm proud कि नाउ थिंग्स विल बी डूइंग बेटर, नाउ इंडस्ट्रीज विल फ्लो इन। जो बात आप कह रही हैं,
मैंने ये गुजरात में कोई 20-25 साल पहले देखी थी कि वो खाखरे, वो फाफरे, और वो अमूल का, इस पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो महिलाएं इतना काम करती है निचले लेवल पर। आप यकीन करेंगे कि इस बार 3 टायर गवर्नमेंट आने के बाद जो हमारे DDC के इलेक्शन हुए हैं, पूरे देश के अंदर जहाँ होते हैं वो आज पहली बार हमारे प्रदेश के अंदर हुए हैं। तो जो हमने, जो 25 साल पहले महाराष्ट्र ग्रो कर गया या गुजरात की बहन को हक मिल गया, वो आज इस बहन को, इस यहाँ की बेटी को मिलेगा। और मुझे लगता है हम इस तरह से NGOs बनाकर, इस तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर ये करेक्ट चीजें जो है निचले स्तर पर लागू करेंगे, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का बहुत बड़ा रोल है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अभी जो है कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा हमारे 6 यहाँ पे जो हमारे DDCs बने हैं, उसमें से 3-4 हमारी महिलाएं जो है वो वाइस चेयरमैन बनी है, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है समाज के लिए कि डेफिनेटली भाई जो महिला पक्ष है वो अपना काम जो है बखूबी से करेगी। और मुझे लगता है कि हम उसको हम और बढ़ाएंगे, और आप जम्मू का भी नाम जो है, जम्मू कश्मीर का भी नाम हर नुक्कड़ कॉर्नर पे, हर आपके इतने बड़े मॉल्स जो हैं उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ आइटम जो है जम्मू कश्मीर के आप देखेंगे। जी, एज अ लेमैन मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर का जो आर्ट है वो कहीं पूरी तरह से छिप गया है, किसी को पता ही नहीं उसके बारे में सब कुछ। मतलब भोजन का भी बोलिए, म्यूजिक का भी बोलिए, ये जो आप पश्मीना शॉल की बात कर रहे हैं, ड्रेस की बात कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम उनका है, जो कला है उनमें वो पूरी तरह से लुप्त हो गई है। किसी को, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है और बहुत कम लोग इसको सीखते हैं। तो आई थिंक व्हाट ऑब्वियसली एज यू सेड सिचुएशन वाज रियली वेरी चैलेंजिंग एंड टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग इज नॉट सो सिंपल। गुड अमाउंट ऑफ ग्राउंड वर्क इज रिक्वायर्ड और बहुत ज्यादा मन परिवर्तन की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों को विकास से विश्वास ही उड़ गया है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। विद दिस न्यू डेवलपमेंट्स नाउ स्लोली द यंगर जनरेशन इज गेटिंग यू नो देयर फीट्स ऑन ग्राउंड की हाँ बेहतर लाइफ हो सकती है, सम ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। ऑन दिस नोट, आपको बोलते हैं कि यू आर एन आयरन लेडी फॉर ऑफ बीजेपी फॉर जम्मू एंड कश्मीर, तो क्या आप बहुत स्ट्रिक्ट है? नहीं, स्ट्रिक्ट तो है, बट हम अपनी आइडियोलॉजी के आगे झुकते नहीं है। मतलब अगर हमारे मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, है तो बड़े दिल के पास, मैंने बहुत कम लोगों को सुनाया है, मैंने अपने संगठन में भी सुनाया, लेकिन एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर, कश्मीर घाटी के अंदर हम जाते हैं हमारा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे वी हैव टू कैपिटल्स, द विंटर कैपिटल एंड द समर कैपिटल। सो आफ्टर समर कैपिटल वी हैव टू आफ्टर द विंटर कैपिटल वी हैड टू मूव टू श्रीनगर फॉर द समर कैपिटल। सो एज आई वॉज आई वॉज स्टेपिंग अप टूवर्ड्स द सेक्रेटरिएट, वन ऑफ अ वेरी सीनियर ऑफिसर केम टू मी एंड सेड अदाब, ही वॉज वेरी अपराइट ऑफिसर। आई सेड नमस्कार टू हिम, आई सेड नमस्कार, ही सेड भाई इस धरती के ऊपर तो अदा भी चलता है, इस धरती के ऊपर नमस्कार नहीं चलता। तो आई सेड भैया ऐसा है कि हमने उस धरती पे भी नमस्कार किया है, इस धरती पे भी नमस्कार करेंगे और आपको भी नमस्कार सिखाएंगे। तो इस तरह का, मतलब इस तरह के जो हम कभी भी आइडियोलॉजी पे झुकते नहीं है, हमारी राष्ट्रता हमारी सबसे बड़ा वो है, और उसके बाद जो है चीजें दूसरी होती है। तो इस तरह से उदाहरण से शायद लोगों ने मुझे कुछ कुछ ऐसे डिसीजन हुए हैं मेरी लाइफ के अंदर, जो मुझे, मैं अड़ जाती थी किसी चीज के लिए भी, अगर जम्मू की बात आती थी या अपने देश की बात आती थी तो हमें अड़ती थी। तो मुझे लगता है शायद इसी वजह से सब मुझे आयरन लेडी की वजह से जानते थे। मेरे सीनियर जो कई मंत्री थे वो कई बार एनरूट नहीं करते थे मेरे से फाइल की, प्रिया कुछ ना कुछ अच्छा लिख देगी इसके ऊपर तो हमारी जितनी नोटिंग होगी वो सब हो जाएगी। तो वो हंसते थे कई बार बैठ के कि प्रिया तुम तो बहुत, मैं कहा नहीं, जब काम करने आए हैं तो निष्भाव से और उस तरह से करें कि हम कुछ ना कुछ भला समाज का कर पाए, क्योंकि कलम की ताकत अगर ईश्वर ने दी है तो वो अच्छाई के लिए दी है, किसी और के लिए नहीं दी। तो इस तरह शायद उन्होंने नाम मेरा डाल दिया होगा, बट कोशिश रही कि हम दृढ़ता से और मजबूती के साथ जो है अपने कदम को बहकाए नहीं, और
जो सत्ता होती है वो आती भी अच्छी लगती है, और हमें कोई महसूस नहीं हुआ, गई तो भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हम जो काम पहले करते थे वो बीच में भी करते रहे। और मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है और बलवान और बहुत अच्छा होगा, यही उम्मीद से जो है हम काम करते हैं। प्रिया जी, ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा कोई अनुभव किसी मैं सिंस इट्स अ प्रोग्राम फॉर विमेन, आई विल एम्फसाइज फॉर द विमेन कम्युनिटी, रहा हो आपके इतने साल के काम में जिसने आपको लगा हो कि हाँ ये जो कर रही हूँ ये वर्थ है? वन विच वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट वॉज, वी हैव वेरी गुड हेरिटेज स्कूल्स हियर, हाँ तो आई अडॉप्टेड वन ऑफ दिस हेरिटेज स्कूल विच वॉज यू नो नॉट अबाउट द गर्ल्स बट द बॉयज, अच्छा बिकॉज या इट वॉज नॉट अबाउट द गर्ल्स बट द बॉयज। आई वॉन्टेड टू डू इट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड स्कूल विच महाराजा हरि सिंह जी हैड एस्टैब्लिश्ड, एंड टू बी यू नो टू अडॉप्ट दैट स्कूल वॉज एन ऑनर टू मी। आई अडॉप्टेड दैट स्कूल, मेड थिंग्स वर्क ऑन द ग्राउंड, यू नो रियली चेंज द एटमोसफियर इन एंड अराउंड द स्कूल प्रीमिसेस, एंड दैट वर्क इज वेरी क्लोज टू मी बिकॉज आई रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वॉट एजुकेशन इज माई फील्ड। आई वॉज रनिंग टू स्कूल ऑल्सो अर्लियर इनिशियली, बट नाउ ड्यू टू दीज कंडीशन आई हैव शिफ्टेड टू ओनली वन स्कूल, बट दैट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट समवेयर और द अदर। इन टूरिज्म आई कुड एस्टैब्लिश टू रोप वेज, दैट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, यू नो दैट वुड रियली एम्फसाइज ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नॉट ओनली द मेल्स बट द फीमेल्स ऑल्सो देयर, बोथ इन पत्नी टॉप एंड जम्मू आई कुड डू दैट। द थर्ड वॉज आई वॉज जस्ट इनिशिएटिंग वॉज दैट आई रियली वॉन्टेड टू डू समथिंग इन द स्कूल्स विच अदर स्टेट्स आर डूइंग सो वेल, वॉज एस्टैब्लिशिंग दीज यू नो दीज सैनिटरी पैड्स के लिए जो टैबू हमें माना जाता है। और मुझे बड़ा दुख होता था कि जब मैं स्कूल्स विजिट करती थी तो हमारे अर्बन एरिया के अंदर भी ऐसे स्कूल्स के अंदर भी अभी तक वो चीज चली रही थी, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हम वो इनिशिएट कर पाए, बट वो भी मेरा जो था, क्योंकि क्लीननेस हाइजीन और अच्छा देना हर बेटी का राइट है और मैं उसको करना चाहती थी, लेकिन वो तब तक हमारी सरकार चलेगी हाथ से। अब मैं और CSR फंडिंग से या किसी तरीके से करवाना चाहती हूँ ताकि स्कूल्स में ये एस्टैब्लिश हो जाए चीजें, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारी बच्चियां जो हैं और डिग्निटी के साथ इस चीज को जो है समाज के अंदर जो है अपने आप को जो है वो रख पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत कम समय मिला, कहती जी करना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन जी समय बहुत कुछ कम मिला। जी अभी भी चल रहा है वन एक फिकी जो ग्रुप है विमेन का ऑर्गेनाइजेशन, उसका चैप्टर अभी जम्मू में ही शुरू हुआ है, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही जिसकी जो प्रेसिडेंट है वो मिसेज आदाश शत्रु है, रितु रितु जी हैं, तो मैं उनके साथ जुड़ रही हूँ और फिर हम लोग जम्मू कश्मीर के लिए ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स अपने बाहर के लोगों के साथ लाके हम करेंगे अपनी बच्चियों के लिए। मतलब तो मेरा यही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम राइट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इस चीज को आगे लेकर आए। और फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड इज एजुकेशन गिव्स एन ऑप्शन टू चूज राइट एंड रॉन्ग एंड द करियर पाथ एंड द एजुकेशन ही और शी वांट्स टू बी। कहीं ना कहीं ड्यू टू दी आई मीन अगेन अगेन वी आर कमिंग टू द सेम सिचुएशन कि द स्टेट हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ मेनी थिंग्स फॉर लॉन्ग, एंड दैट्स वाई गर्ल स्टडी, गर्ल एजुकेशन, गर्ल एम्पावरमेंट, गर्ल कमिंग टू हायर एजुकेशन, स्टार्टिंग देयर ओन एंटरप्रेन्योरशिप अदर ड्रीम्स स्टिल। बहुत सारी लड़कियों को इस बारे में पता भी नहीं है और वो सोच भी नहीं सकती इस डायरेक्शन में क्योंकि हालात ही वैसे नहीं थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वी कैन गिव एन अपील टू पीपल अक्रॉस द स्टेट्स कि दे शुड एक्सटेंड देयर जेनरोसिटी टूवर्ड्स दिस स्टेट व्हेन इट कम्स टू एजुकेटिंग गर्ल्स, व्हेन इट कम्स टू यू नो गिविंग देम वोकेशनल ट्रेनिंग, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग देम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड यू नो ब्रिंगिंग देम टू द मेन स्ट्रीम विच दे आर नॉट एबल टू सी। सो यस वन एक तो आपकी एक लिमिटेशन हो जाती है इफ यू आर इन गवर्नमेंट और नॉट इन गवर्नमेंट, क्योंकि आपको कुछ चीजों का
फ्रीडम नहीं रहता है जो जनरली आपको हो सकता है इफ यू आर इन गवर्नमेंट। पर जो लोग वॉलंटरी ये काम करते हैं या जो एक एनजीओ के थ्रू या जो एक विकास का काम करना चाहते हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद हु इज गवर्नमेंट एंड हु, इट्स जस्ट अबाउट द सोसाइटी एम्पावरमेंट। तो ऐसे लोगों के साथ टाई अप करके और ऐसे कुछ ग्रुप को इसके साथ एसोसिएट करके और उनका उनके प्रोग्राम का 20% या 30% ऑफ समय और इंफ्रास्ट्रक्चर दे कैन यूज फॉर दिस स्टेट, क्या इस तरह सा कोई वर्किंग मॉडल वर्कआउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एक छोटा एक ग्रुप हमने बनाया है अभी फिलहाल, वो भी इनिशियल स्टेजेस पे ही है। उसपे हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं, जो बाहर बैठे अक्रॉस द स्टेट बैठे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ करें। जो आपकी देखा है, अपनी कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें जी CSR फंडिंग्स रहती हैं, तो उन यस फंडिंग्स के माध्यम से हम प्रोजेक्ट्स बना के दें, उन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो हमें फंडिंग मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे सेल्फ अपना रिलायंस जो है हमारा फाइनेंशियली, इतने हम गवर्नमेंट के पास अपने काम है करने वाले, लेकिन कम से कम समाज के और जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर चेंजेस देखना चाहते हैं और इतने सालों से देखते हैं। तो एज अ सोसाइटी से प्रधानमंत्री जी ने 370 हटा दिया, उसके बाद हमारी कर्तव्य है कि हम इस पार्ट को जो जम्मू कश्मीर से हमेशा से एक नर्चर ग्राउंड बना रहा, एक बैटल फील्ड बनी रही पाकिस्तान के लिए, उसको कहीं ना कहीं ध्यान दे पाए। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूंगी कि हम कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में वर्कआउट करना चाहते हैं, और इसके अंदर से हमें जो भी हेल्प आपके स्टेट से या आपके दूसरी स्टेट से मिले, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वी कैन डू सो मच बेटर। वोकेशनल ट्रेनिंग्स हम दे सकते हैं बच्चियों की, हम जो यहाँ का हुनर है उसको हम, जैसे पेपर नक्शी का हुनर है, मैंने आपको पश्मीना शॉल्स का बोला, वीवर्स का बोला, इस तरह का। एक हमारा सांबा में एक ब्लॉक प्रिंटिंग आता है, वो बहुत पुराना एक ट्रेडिशनल हमारा काम था जो आज खत्म हो गया है, जो ब्रिंक पे है। इस तरह के अगर हम लोगों को मिले तो कहीं ना कहीं इसको आगे ले जाने में आपके माध्यम से हम और ले जाना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं लोगों के साथ भी। जी डेफिनेटली, आई थिंक दैट विल बी अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि बाकी के स्टेट में काफी कुछ डेवलपमेंट हो चुका है एंड पीपल कैन स्पेयर टाइम एंड एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्प दिस स्टेट टू कम अप, एज वेल एज टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जिनका भी डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है कंपेरेटिवली। तो दोनों जगह ध्यान देने की आवश्यकता। वही ट्रू, वही ट्रू। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन कि हाउ मच डू यू एंजॉय बीइंग अ पॉलिटिशियन और हाउ मच डू यू एंजॉय एज अ सोशल वर्कर? एक्चुअली बीजेपी इज ऑलवेज द पॉलिटिशियंस ऑलवेज इन बीजेपी आर यू नो सोशल वर्कर्स। यस बेसिकली वी हैव बीन यू नो एजुकेटेड, वी हैव बीन वर्कशॉप्ड इन सच अ वे दैट वी कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी टू लार्जर एक्सटेंट। राइट बट टू बी अ पॉलिटिशियन इज ऑल्सो गुड, एंड बींग पॉलिटिशियन एंड सर्विंग द सोसाइटी इज मच अ लार्जर एरिया टू यू नो एवरीबडी कैनॉट बी अ पॉलिटिशियन एंड बट अ पॉलिटिशियन कैन डू, एवरी पॉलिटिशियन कैन डू यू नो सर्विस टू द नेशन एंड सर्विस टू द सोसाइटी। सो आई एंजॉय बोथ द पोजिशंस, आई लव टू डू माई वर्क, आई लव माई फैमिली ऑल्सो, सो आई कॉन्ट्रीब्यूट टू यू नो क्वालिटी वाइज आई कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एज वेल एज टू माई माई फैमिली ऑल्सो एंड टू एवरीबडी अक्रॉस एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो। ओके अरे हाँ, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं शुरू में कहना भूल हाँ थैंक गई। यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके माध्यम से जो हम लोगों को देख रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 अच्छा लगा प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट थैंक फॉर यू, योर फ्यूचर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। पेंडेमिक में हम सबको बहुत पीछा, 1 साल हमारे जीवन का निकाल दिया है, तो होपफुली थिंग्स विल कम टू नॉर्मल सून एंड जी वी कैन इम्प्लीमेंट, और आई मीन यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल दी प्लान्स दैट यू हैव एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट यू हैव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कीर्ति जी, नाइस थैंक यू, मीटिंग, धन्यवाद, सेम नमस्ते, हियर, सेम हियर, सेम हियर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, नमस्ते। नमस्कार।